रहती कांग्रेस आ जाए। ओडिशा की पब्लिक बाहर के लोग से परेशान है। ओडिशा सबसे पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पिछड़ा और एससी और एससी और ये लोग तो सब महिला सबसे बोला कि नो लोकसभा ओडिशा इज इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए एक चीज़ है, शरद जी इज अ ब्रदर, ऑल आर सीनियर लीडर्स, यू नो, सो आई एम सेइंग वी हैव एन इलेक्शन टू गो, द इम्पोर्टेंट इश्यू इज नाउ इलेक्शन, लेट अस फाइट दिस इलेक्शन ना, पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। सर टिकट का क्राइटेरिया क्या है? सर टिकट का क्राइटेरिया, टिकट का क्राइटेरिया क्या है? अच्छा बूम का तड़ू करो, टिकट मैंने सबको कहा है, कोई भी टिकट लड़ना चाहे, पहले तो जितने भी पुराने लोग हैं जो चले गए थे वापस आओ, जो स्टेट से कोई भी लोग सस्पेंड हुए थे तो सबको वापस बुलाने के लिए पीसी से आपने पीसीसी से आदेश दे दिया है, सब वापस आई, गलती जो हो गया सब माफ है। हमने कहा कि सिर्फ जो बीजेडी और बीजेपी के साथ जो संबंध अगर किसी का है तो फिर हम टिकट नहीं दे पाएंगे। सर वन फैमिली वन डेट, सेकंड, एक मिनट, दूसरा विनेबिलिटी एक ही क्राइटेरिया है, ना अजय कुमार का आदमी, ना शरद जी का आदमी, ना निरंजन जी का आदमी, ना बख्तर जी का आदमी, ना जयदेव जेना जी का, सब का नहीं, सभी कांग्रेस के आदमी, राहुल गांधी और खड़गे जी के सिपाही हैं। सर्वे विल बी डन एंड वी विल शेयर द सर्वे ट्रांसपेरेंटली, ऑल टिकट्स विल बी गिवन ट्रांसपेरेंटली, नो अजय कुमार, नो फ्रेंड, नो दोस्त, नो संबंध। डिक्लेरेशन कब तक होगा? बहुत जल्दी, अभी धीरे धीरे जिसको भी लड़ना है नाम बता देंगे, आप निश्चिंत रहो। सर वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला हुआ सर, तेलंगाना का माहौल बन पाएगा? देखिए तेलंगाना, देखिए ओडिशा के गेवा भाई, एक देखिए ओडिशा के पब्लिक परेशान है बीजू नवीन पटनायक से, 23 साल से नवीन पटनायक जी भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का जो गठबंधन है, जुगलबंदी है, जुगलबंदी जो चल रही है वो ओडिशा को, ओडिशा के लिए हानिकारक है। जितने भी बाहर के लोग जो ओडिशा को चला रहे हैं, पॉलिटिकल में बाहर का आदमी चला रहा है बीजेडी को, करेक्ट ना, कोई बोलता ही नहीं है, सब स्माइल करते हैं, सब स्माइल करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बाहर का आदमी, बिजनेस धंधा बाहर का आदमी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बाहर का आदमी, नौकरी बाहर का आदमी, तो ओडिशा के आदमी कहाँ जाएगा? तो हमारा कहना है, अब्राहम लिंकन ने कहा था द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, हमारा कहना है फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा बाय द पीपल ऑफ ओडिशा, ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा की गवर्नमेंट होनी चाहिए, फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा बाय द पीपल ऑफ ओडिशा, ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा होना चाहिए। 4 महीने हैं, इसका क्या चमत्कार करेंगे अजय कुमार जो कांग्रेस है अच्छे से आ जाए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कांग्रेस हनुमान जी जैसा है, अगर कांग्रेस के अपने लोग अपने शक्ति समझ गए, हमारा सर्वे के मुताबिक करीब 70 सीट में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती, बहुत ही अच्छा है, नहीं 15 में लड़ाई में तो 85 हो गया, एमपी में मुझे लगता है कि 12 से 14 के बीच में पोजीशन अच्छी है, सभी कांग्रेस के लीडर अभी पीसीसी प्रेसिडेंट एक्सपीसीसी सब लोग थे, हमें एकजुट लड़ना है, बीजेपी और बीजेडी एक ही साथ है, क्योंकि एक चीज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई बीजेडी का मंत्री को ईडी का रेड हुआ है क्या?
तो बताओ लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का पैटर्न देखो, बीजेपी बीजेडी एकदम साथ है, आईएएस ऑफिसर्स के एक्सटेंशन हो जाता है, ओडिशा के आईएएस ऑफिसर का कोई चांस नहीं हो रही है, तुरंत वीआरएस मिल जाता है। ये तो इंटरेस्टिंग है ना, हमें ओडिशा के गर्व को वापस, ओडिया गर्व को वापस लाना है। भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे भारत के सबसे पवित्र जगह में से मुझे लगता है कि इतना मशहूर पवित्र जगह उड़ीसा है, स्वामी चैतन्य का जमीन है, जयदेव जी, स्वामी जयदेव जी, संत जयदेव जी का जमीन है, कलिंगा वाला कलिंगा का जमीन है। तो इसे मैं जब पूरा विश्वास है कि और राहुल जी का जो यात्रा होगी हम सब लोग लगेंगे, एक बिजली पूरा करंट चलेगा, एआईसीसी के फोकस में इसलिए है क्योंकि हमको भेज दिया और बोला कि चुनाव नहीं लड़ना, हम तो अपने लोकसभा छोड़ के आ गए। आप फुल टाइम प्रभारी रहेंगे? मैं तो अपना छोड़ दिया ना। दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी हो रुहंतु, आज ही हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं अधिक खबर जानिबा पाई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु।